महाभाष्य 11वीं कक्षा। प्राग भाव तो ऐसा मान रहे हैं कि वैयाकरण को संदेह होता ही नहीं, और वो व्याकरण का अर्थ ऐसा ले रहे हैं, वो इस एंगल से देखी जा रही है कि व्याकरण पढ़ते हैं तो कुछ संदेह रहता है, कुछ असंदेह रहता है, तो व्याकरण पढ़ने से पूरा संदेह हट जाते हैं। अभी तो हैं व्याकरण पढ़ते समय संदेह हैं, पर पढ़ते 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 व्याकरण के द्वारा हम संदेह की निवृत्ति में चले जाते हैं। तो ये तो प्रध्वंसा भाव उस प्रस्तुत किया था उन्होंने। और कई हटादि ने प्राग भाव को इस दृष्टि से कहा कि जो वैयाकरण होता है, शब्दों को ठीक से जानता है, उसको संदेह होता ही नहीं है। वेद अर्थ में लिया है उसको, अधीत अर्थ में लिया नहीं है। अधीत अर्थ में लिया नहीं है कई हटादि जी ने। हाँ, उन्होंने वेद ही अर्थ में लिया है। हाँ, जब अधीत अर्थ में मानते हैं तब वो प्रध्वंसा भाव अवश्य बनेगा। दो अर्थ है ना वैयाकरण के, व्याकरण को पढ़ना, पढ़ने वाला भी वैयाकरण है, जानने वाला भी वैयाकरण है। तो इस समय आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने वाले के लिए संदेह आ रहे हैं, उनकी निवृत्ति होती जा रही है, संदेह हटते जा रहे हैं कि ये कैसे बनेगा, ये क्या प्रकृति प्रत्यय है, इसमें क्या स्वर है। माने जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे हैं उनको तो इतना भी नहीं होता है, उनमें तो संदेह नाम की चीज़ ही नहीं होती है। मतलब अत्यंत क्या कहना चाहिए, उनमें तो या तो सारे ही संदेह हैं या कुछ भी नहीं, मतलब एकदम से अंधेरा है वहाँ, तो ज्ञान है ही नहीं ना पूरा, मतलब अंधेरा है, अंधकार है पूरा। तो कुछ प्रकाश हो कुछ अंधेरा हो तब संदेह होता है ना। तो इन्होंने ये सामने रखते हुए कहा प्रध्वंसा भाव कि जब व्याकरण पढ़ते हैं तो कुछ प्रकाश आ जाता है, कुछ अंधेरा रहता है, और ज्यों ज्यों हम पढ़ते जाते हैं तो पूरा प्रकाश हो जाता है, तो संदेह हट जाता है। वैयाकरण शब्द के दो प्रवृत्ति निमित्त हैं, व्याकरण का पढ़ना वो भी वैयाकरण है, और व्याकरण का जानना वो भी वैयाकरण है। तो व्याकरण को जो जानता है वो तो उसको संदेह होता ही नहीं, और व्याकरण जो पढ़ने वाला है वो उस बिंदु को लेकर के उन्होंने कहा कि जो पढ़ रहा है उसको तो संदेह आएंगे और वो हटाएगा, और जो पठित है, नागेश ने यही कहा ना, वैयाकरणत्व का अभाव, वो व्याकरण को जो जानता है वही वैयाकरण, ऐसे इस आधार को सामने रख करके उन्होंने ये रखा है। तो ये दो दृष्टियाँ हो गई, अलग अलग दो दृष्टियों से देखी जा रही है चीज़। जब हम व्याकरण का विद्वान ऐसा ही अर्थ करते हैं वैयाकरण का अर्थ, तब तो प्राग अभाव है, सही बात है, और व्याकरण पढ़ने वाला भी वैयाकरण है। अष्टाध्यायी अभी अधियानो, महाभाष्यकार स्वयं आगे कहेंगे एक जगह, अष्टाध्यायी अभी अधियानो इससे ते वैयाकरण, अभी अष्टाध्यायी का पाठ याद कर रहा है, अष्टाध्यायी पढ़ रहा का मतलब पाठ कर रहा है। अधीते सामान्य रूप से अध्ययन मात्र, पाठ मात्र में आती है ना, उस पंक्ति से ये भी निकलता है कि ये कहाँ से निकलता है कि पहले अष्टाध्यायी याद करनी चाहिए। भाष्यकार ने एक पंक्ति लिखी है, अष्टाध्यायी अपि अधियानो इष्यते वैयाकरण, अष्टाध्यायी का जो पाठ कर रहा है वो भी वैयाकरण इस नाम से पुकारा जाता है। जो बच्चा गुरुकुल में प्रवेश होकर अष्टाध्यायी स्मरण कर रहा है उसको भी वैयाकरण इस उपाधि से अभिहित किया जाता है, कहा जाता है। तो जो इस परिस्थिति वाला, इस अर्थ वाला जो वैयाकरण है उसको तो संदेह आएंगे, और वो ज्यों ज्यों वो जानता जाएगा, असंदेहार्थम अध्ययम व्याकरणम, संदेह को हटाने के लिए असंदेहार्थम का अर्थ ये निकलेगा, संदेहों को हटाने के लिए व्याकरण अध्ययन करना चाहिए। और जब वैयाकरण की दृष्टि से असंदेहार्थम कहेंगे तो ये निकलेगा,
संदेह का अभाव की स्थिति बन जाए हमारे भीतर, संदेह सर्वथा, संदेह नाम की चीज ही ना रहे हमारे भीतर, संदेह का अभाव, इसके लिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। उद्देश्य, प्रयोजन या फल व्याकरण अध्ययन का क्या है? व्याकरण अध्ययन का फल है कि अंततः हम संदेह से मुक्त हो जाएं। गुरुजी, संभवतः कैयट जी ने पूर्व प्रकरण को ध्यान में रख करके ये अर्थ किया होगा। एक बार मैं प्रश्न बना रहा हूँ। उन्होंने कहा था कानी पुनः शब्दानुशासन से प्रयोजनानी, तो शब्दानुशासन अर्थात व्याकरण का प्रयोजन क्या है, इस पर असंदेह एक प्रयोजन आया था, रक्षो वहा आगम लघु असंदेह। ये व्याकरण का प्रयोजन है, अर्थात जो व्याकरण का प्रयोजन वो असंदेह है, और जो व्याकरण है वो असंदेह सदा में सदा ही रहेगा, उसको कभी संदेह होगा ही नहीं, क्योंकि ये उसी परिप्रेक्ष्य में ये प्रश्न किया गया था और उसका उत्तर दे रहे हों पतंजलि जी, इसीलिए उसका अर्थ ऐसे कर रहे हैं कि असंदेहार्थ च अध्ययन व्याकरण का ये अर्थ करेंगे कि प्राक अभाव यहाँ द्रष्टव्य है न तो प्रध्वंस अभाव। पूर्व प्रकरण को यदि ध्यान में रखेंगे कि व्याकरण का क्या प्रयोजन है, उनमें कहेंगे कि असंदेह एक प्रयोजन है, तो व्याकरण का असंदेह प्रयोजन है का अर्थ ये होगा कि जो व्याकरण है उसको कभी संदेह होगा ही नहीं, यही उसका प्रयोजन है, अर्थात वो प्राग अभाव ही होगा। इस दृष्टि से संभवतः संगति लगाने के लिए कहा गया है। और बाकी स्वीकार तो किया है कैयट जी ने भी कि इतरस्य एव तत् उत्पादार्थ, इतर व्यक्ति अर्थात जो व्याकरण नहीं पढ़ा है उनको तो संदेह उत्पन्न होता ही है, तो ये तो स्वीकार किया है। इतरस्य तद उत्पादात् संदेह उत्पादात्, माने जो अभी व्याकरण नहीं बना है पूरा का पूरा, उसको तो संदेह होता ही, ऐसे लिखा है ना, ये कह रहे हैं। हाँ, इतरस्य माने जो पूरा व्याकरण का वेत्ता नहीं है उसी को संदेह होता है। तद उत्पादात् संदेह उत्पादात्। मीमांसक जी ने भी कुछ लिखा है इसमें, मैत्रायणी संगीता में पाठ है पृषति क्षुद्र पृषति स्थूल पृष्ठि मैत्रा वरुण्या। स्थूल पृष्ठि पूर्व पद अंतोदात पड़ा है, मानी बहुव्री स्वर वाली पड़ी है ये शब्द। पृषति क्षुद्र पृषति स्थूल पृष्ठि मैत्रा वरुण्या, ऐसा मैत्रायणी संगीता में पड़ा है। पूर्व पद प्रकृति सर के दर्शन से यहाँ बहुव्री समास है ये व्यक्त है। भाष्यकार ने स्थूल पृष्ठि में संदेह उत्पन्न होता है ऐसा कहा, इसका तात्पर्य भर्तृहरि ने इस प्रकार व्यक्त किया कि प्रसति शब्द के सन्निधान में स्थूल शब्द प्रिषद का विशेषण गम्यमान न होकर प्रसति का विशेषण प्रतीयमान होता है। स्थूला चासो प्रसति, प्रिषद के विशेषण की संभावना स्थूलानी प्रसन्ति यस्या भी होती है। इस प्रकार आपात अर्थ द्वय की उपस्थिति होने से संदेह होता है कि यहाँ कर्मधारे तत्पुरुष है या बहुव्रीय है। इस संदेह की निवृत्ति स्थूल प्रसति शब्दगत पूर्व पद प्रकृति स्वर के दर्शन से हो जाती है। कैयट ने लिखा है स्थूल प्रिषति शब्द में पूर्व पद प्रकृति स्वर का पाठ होने से यहाँ संदेह ही उत्पन्न नहीं होता, तब उसकी निवृत्ति कैसे कही गई, ये एक समस्या रखी है। संगति ये लगा रहे हैं हिमांश जी कि स्थूल प्रिषति शब्द में पूर्व पद अंतोदात ऐसा पड़ा है, स्थूल प्रस्तिम या स्थूल प्रसिद्धि ऐसा पढ़ा, ये मैं जमा का चिन्ह उदात्त के लिए लगा रहा हूँ, ऐसा पढ़ा है ये स्वर। तो उन्होंने प्रश्न उठाया कि कैयट की तरफ से व्याख्या कर रहे हैं कैयट की ओर से कि स्थूल प्रस्ति में जब दिख रहा है पूर्व पद प्रकृति स्वर तो स्पष्ट ही है कि यहाँ बहुब्री है, इसमें संदेह कहाँ से आ गया। ये जो उदात्त है ये अपने आप ही बोल रहा है कि ये पूर्व पद प्रकृति स्वर है, यहाँ बहुब्री है, फिर संदेह कहाँ से आ गया।
संदेह आया नहीं तो फिर निवृत्ति किसकी होगी? स्वर से पता लग रहा है कि ये बहुव्रीहि है तो संदेह तो है ही नहीं, फिर निवृत्ति कहाँ होगी? ऐसे प्रश्न उठाए। उनके मत में संदेह का प्राग अभाव है ना कि प्रध्वंस अभाव, उनके मत में ऐसे लिखा है, उनके मत में संदेह का प्राग अभाव है ना कि प्रध्वंस अभाव। न वैयाकरण पद में दो न है, माने हमने भी ये बात तो विचार की थी ना, ये ना अवैयाकरण का मतलब है अवश्य वैयाकरण जो है वो इस बात को जानता है कि यहाँ पर ये बहुव्रीहि है, अतः उसका अभिप्राय उत्कृष्ट व्याकरण शास्त्र का ज्ञाता। ये उत्कर्षता प्रकृति प्रत्यय विभाग परिज्ञान के साथ साथ स्वरज्ञान विषय जाननी चाहिए। इस दृष्टि से स्वरज्ञान रहित साधारण वैयाकरण को स्थूल प्रसिद्धि शब्द के अर्थ में संदेह हो सकता है, ये भाष्यकार का तात्पर्य है। इस दृष्टि से भर्तृहरि का व्याख्यान ठीक है, इसका मतलब है प्रध्वंस अभाव मानते हैं भर्तृहरि और कैयट इसका प्राग अभाव मानते हैं, उनका कहना चिंत्य है। मीमांसा जी तो ये कह रहे हैं कि प्राग अभाव कैयट जो बता रहे हैं इनका कहना चिंत्य है और भर्तृहरि ने जो व्याख्या की है उनका कहना ठीक है। माने जो उत्कृष्ट वैयाकरण है स्वर सहित जो ज्ञान कर रहा है प्रकृति प्रत्यय विभाग परिज्ञान के साथ साथ स्वर ज्ञान विषय भी उसको पूरा बोध है तो वो तो प्राग अभाव वाला हो सकता है। स्वर ज्ञान रहित साधारण जो वैयाकरण है उसको स्थूल प्रसिद्धि शब्द के अर्थ में संदेह हो सकता है, इस बात में भाष्यकार का तात्पर्य, तब तो प्रध्वंसा भाव ही बनेगा कि हम व्याकरण पढ़ते पढ़ते जो सामान्य हमें व्याकरण का बोध है तो हम व्याकरण के द्वारा ही तो हम इस बात के निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। मैं तो अभी ये देखा है पर मैंने कल ही कह दिया था ये बात कि भाई ये इस दृष्टि से भी ठीक हो सकता है, वो एक दृष्टि है पर हम कैयट को समझ रहे थे, कैयट नागेश का क्या अभिप्राय है। कैयट नागेश का अभिप्राय तो यही था कि संदेह का प्राग अभाव, और उस दृष्टि से देखें कि भाई व्याकरण पढ़ते पढ़ते हमारे को सामान्य ज्ञान होता रहता है, विशेष ज्ञान इस व्याकरण से ही होता है, सामान्य ज्ञान भी व्याकरण से ही होता है और विशेष ज्ञान भी, विशेष निर्णय की स्थिति भी व्याकरण से ही होती है, तो व्याकरण हमको विशेष निर्णय पर पहुंचा देता है, संदेह के पार ले जाता है। सामान्य ज्ञान में ही संदेह होता है, जो बिल्कुल ही छुआ ही नहीं है उसको तो संदेह भी नहीं है, संदेह भी नहीं, वो तो ये कहेगा मेरे को नहीं पता जी क्या कुछ है ये। फारसी का कोई शब्द बोल दे तो हम यही तो कहेंगे, संदेह थोड़ी बताते हैं कि भाई हमें तो पता नहीं इसका क्या मतलब है। ये सारी चीजें तो मैंने बताई दी, वो जो बाकी लिखी है ना स्थूल प्रसिद्धि में जो है लक्षणा है, प्रसिद्धि का अर्थ प्रसिद्धि वाली अर्थ है, स्थूला चासो प्रसिद्धि स्थूल प्रसिद्धि या स्थूलानी प्रसन्ति यस्याः, माने प्रसिद्धि धब्बों वाली, प्रसिद्धि का मतलब धब्बों वाली, इस शब्द के सन्निधान में स्थूल शब्द प्रिषद का विशेषण गम्यमान न होकर प्रिषति का विशेषण प्रतीयमान होता है, स्थूला चासो प्रिषति, प्रिषद का विशेषण की संभावना बहुव्रीहि में होती है, तो आपातः दो अर्थों की उपस्थिति होती है। आपातः मीन्स होता है प्रथम दृष्टया, पहली दृष्टि में आपातः अंततः दो शब्द होते हैं, तो आपातः मानी प्रथम दृष्टया अर्थ द्वय की उपस्थिति होने से संदेह होता है कि यहाँ कर्मधारय तत्पुरुष है या बहुव्रीहि है। इस संदेह की निवृत्ति स्थूल प्रसिद्धि शब्दगत जो पूर्वपद प्रकृति स्वर है, स्थूल प्रसिद्धि शब्द के अर्थ में समास भेद से दो अर्थ भेद होता है, उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार जानना चाहिए। समानाधिगण तत्पुरुष समास होने पर उत्तर पदार्थ प्रधानस्थ तत्पुरुषा के नियम से प्रसिद्धि के अर्थ का प्राधान्य होगा, अतः स्थूल का संबंध प्रसिद्धि काले दब्बों वाली, ये लिया भी है इन्होंने, एक टिप्पणी में दिया है प्रसिद्धि शब्दों मत्वर्थ लक्षण या प्रसिद्धवतीम बिंदुमतीम गाम आचष्टे, मत्वर्थ लक्षणा होती है एक,
प्रिशति मत्वर्थ लक्षणा से प्रिशति वाली को कह रहा है, बिंदुमती को कह रहा है, प्रिशद्वतीम बिंदुमती मत्वर्थ लक्षणा। तो मत्वर्थ लक्षणा से अतः स्थूल का संबंध प्रिशति काले धब्बों वाली अनडवाही गो से होगा, न कि प्रिशत काले धब्बों के साथ। स्थूल का संबंध कर्मधारय समास में काले धब्बों के साथ संबंध हो, इस कारण अर्थ होगा मोटी गाय मोटी तथा काले धब्बों वाली अनडवाई। मत्वर्थ में लक्षण क्या है जी? मत्वर्थ लक्षण वाले प्रिशति प्रिशति वाली लक्षणा क्यों कह रही? लक्षणा का अर्थ है कि जहां अभिधा फेल हो रही है, जैसे यूं बोले मत्वर्थ में है प्रत्यय, तब भी प्रत्यय है ही नहीं ना, मत्वर्थ प्रत्यय तो है नहीं ना वहां। प्रिशति शब्द में मत्वर्थ कहाँ है? मत्वर्थ प्रत्यय भी नहीं है, मत्वर्थ मतु प्रत्यय भी नहीं है, मत्वर्थ कोई दूसरा प्रत्यय भी नहीं है, पर मतु का अर्थ निकल रहा है। प्रिशति मति को प्रिशति कह दिया, प्रिशति मति को प्रिशति कह दिया। समानाधिगण तत्पुरुष होने पर स्थूल शब्द अनडवाई की स्थूलता को बोधित करेगा, धब्बे छोटे हों बड़े इसकी विवक्षा नहीं होगी, बहुव्रीहि होने पर स्थूल शब्द प्रिशति धब्बों का विशेषण होगा। ये सब हमने चर्चा कर ली है, इसमें कोई बात नहीं है। और अनडवाही शब्द के विषय में भी मीमांसा जी ने लिखा कि अनडवाही अनडूही दो शब्द बनते हैं, सिद्ध गौरादि व्यस्य में दो शब्द पढ़े अनडूही अनडवाही। अनडू शब्द को आम आगम विकल्प से कर रखा है, तो मिदचोन्त्यात्परा अनडू ऊ से बाद में ऊ के बाद में जो है वो आम करेंगे तो इकोणची अनडवाही अनडूही ऐसे दो शब्द बनते हैं। अनडवान होता है जो अपत्य उत्पादन में असमर्थ होता है, तो अनडूही भी वही होगी। गाड़ी आदि में ले जान जोते जाने वाले बैल को अनडवान कहते हैं, और अनडवाही से अपत्य उत्पादन में असमर्थ वंध्या गो को कहते हैं। धर्मशास्त्र में गो को हल या शकट में जोतने का निषेध किया है, वो उन गो को है जो अपत्य उत्पादन में समर्थ हैं। वंध्या को हल या शकट में जोता जा सकता है। और ये भी दिया है इन्होंने मध्यकालीन याज्ञिक इस प्रकार के प्रयोगों में आलभते का अर्थ संजपन मानना मारना करते हैं आलभेत, किंतु उपनयन और विवाह आदि प्रकरण में हृदय में आलभते का स्पर्श अर्थ ही करते हैं वही याज्ञिक। आलभ का दो जगह दो प्रकार का अर्थ करते हैं, हमारे मत में आलभते का अर्थ सर्वत्र स्पर्श ही है। वस्तुतः शुद्ध लब और नुम सहित लंब दो स्वतंत्र धातुएं हैं। पाणिनीय व्याकरण में लब को ही नुम का विधान होने से लब का भी आलंबन मारना अर्थ है ऐसी भ्रांति होती है। पाणिनीय में ना लब को नुम आगम किया है, पर आपको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए जो नुम आदि कर देते हैं और जो धातु को संप्रसारण करके जो रूप बनते हैं, मीमांसा जी ये कहना है कि वे स्वतंत्र प्रकृतियां ही होती हैं, वो तो एक प्रक्रिया मात्र दिखा देते हैं कि ये इस तरह से ये शब्द बन रहा है, बाकी वो स्वतंत्र। जैसे यज एक धातु है और संप्रसारण रूप किया हुआ इज एक धातु है, तो ऐसे ही लव एक धातु है, नुम की भी लंब एक धातु है, स्वतंत्र प्रकृति मान लेते हैं। आयुर्वेदी चरक संहिता विमान स्थान में दोनों धातुओं का एक साथ पृथक पृथक अर्थ में प्रयोग हुआ है। आदिकाले पशवा समालभनिया बबु नालंभाय प्रक्रियंते स्म, विमान स्थान में कहता है आदिकाल में यज्ञ में पशु आलभनिया बबु स्पर्शनीय होते थे, केवल उनको स्पर्श करके छोड़ देते थे संजपन मारने के लिए। आलंभाय न प्रक्रियंते स्म, अतः समस्त पशु यागों में पूरा काल में पर्यग्निकरण के अनंतर उन्हें स्पर्श करके छोड़ दिया जाता था। पर्यग्निकरण माने अग्नि के चारों तरफ घुमाकर छोड़ देते थे, जैसा कि सांप्रतिक याज्ञिक आरण्य पशुओं का पर्यग्निकरण के पश्चात उत्सर्जन मानते हैं छोड़ना। पशु यज्ञों का विधान क्यों किया गया? उसमें पशुओं का संजपन
और उनके अवयवों से होम विहित है या नहीं, एक स्वतंत्र विषय है, इसकी यहाँ विवेचना संभव नहीं। अतः यहाँ सारमात्र लिखा है, प्राचीन काल में पशु यज्ञों में पशु नहीं मारे जाते थे, परियग्निकरण के बाद स्पर्श करके छोड़ दिए जाते थे। संज्ञापन तो काटना ही होता है, तो परियग्निकरण के बाद स्पर्श करके छोड़ दिए जाते थे। तो मीमांसक जी का तो ये मत है इनका कि यज्ञ में पहले पशु मार करके हवन नहीं होता था और बाद में ये चला है। कैसे चला, कैसे क्या हुआ, बाद में चला है, ऐसा ये मानते हैं। वो न्याय भी दिया इन्होंने, वो जो मैं बोल रहा था, यद्यपि लौकिक वैदिक शब्दों में प्राय समानता है, मीमांसकों के लोक वेदाधिकरण न्याय, एक मीमांसा में एक न्याय चलता है, अधिकरण है मीमांसा में, मानी शायद मेरे ख्याल में 1000 अधिकरण हो, मीमांसा के लोक वेदाधिकरण न्याय, यह लौकिका तय वैदिका, एक एक विषय अधिकरण मानी एक एक विषय का चर्चा है वहां पर, तो लोक वेदाधिकरण, रथकाराधिकरण, ऐसे ऐसे अधिकरण है वहां बहुत सारे, एक एक, जैसे वो अभिव्यक्त पदार्थ आए, स्वतंत्र आलोक विश्रुता, शास्त्रार्थस्तेषु कर्तव्य शब्देषु न तदुक्तिषु, यहाँ पर रूढ़िर योगाद रूढ़िर बलियसी, पारिभाषिक में एक परिभाषा है, वहां पर अव्यक्त पदार्थ ये न्याय दिया है, तो वहां पर लिखा है कि रथ काराधिकरण में ऐसा ऐसा बताया है, तो वहां अधिकरण चलते हैं, मतलब लोक वेदाधिकरण एक न्याय है, तो एक लोक वेदाधिकरण न्याय है, तो उसमें ये बताया, यह लौकिका तय वैदिका, जो लौकिक शब्द हैं वही वैदिक हैं, लौकिक वैदिक शब्द एक ही हैं। मीमांसकों का ये सिद्धांत सर्वथा सत्य है कि अति पूर्वकाल में वैदिक माने जाने वाले शब्द भी लोक भाषा में प्रचलित थे। आप जो पूछ रहे थे ना, तो उसके लिए कह रहे हैं कि प्राचीन काल में वैदिक माने जाने वाले शब्द भी लोक भाषा में बोले जाते थे अति प्राचीन काल में, लेकिन बाद में वो लुप्त हो गए, जो लोक भाषा में शब्द बोले जाते थे वो लुप्त हो गए और वो रह गए, वेद में रह गए। गुरुजी ऐसा इनका मत, अति प्राचीन किसको कहेंगे, महाभारत से पहले? हाँ बस लगभग 1000 वर्ष के आसपास। नहीं, मैं महाभारत से पहले, महाभारत से पहले जी। इसके समाधान में व्याख्याकारों ने ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय से वैदिक शब्दों का वैशिष्ट द्योतन करना कहा है। हमारे विचार में लोक में वाक्यस्थ पदों की नियतानुपूर्वी नहीं होती, वेद में स्वर वर्णानुपूर्वी नियत होती है, इस भेद को दर्शाना मुख्य प्रयोजन है। ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय बताया ही था, पर ये यूं कह रहे हैं कि लोक में वाक्य में स्थित जो पद है ना, लोक में वाक्य में स्थित पदों की नियतानुपूर्वी नहीं होती, ग्रामम गच्छ गच्छ ग्रामम ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन वेद में स्वर वर्णानुपूर्वी नियत होती है, अग्नि मीले से जो बोलते हैं ना, इस वेद को दर्शाना मुख्य प्रयोजन है। तो भाष्यकार ने लौकिक शब्दों के उदाहरण गो आदि स्वतंत्र शब्दों का निर्देश किया है, वैदिक शब्दों के निर्देश में नियत स्वर वर्णानुपूर्वी वाले मंत्र दिए हैं। सन्नो देवी क्यों दिया, उस पर भी मीमांसा जी ने लिखा है कि मंत्र प्रतीकें क्रम से अथर्व यजु ऋक और सामवेद के आदि मंत्रों की है। सन्नो देवी मंत्र अथर्व की पैप्लाद संहिता के आदि में मिलता है। भाष्यकार ने प्रतीक निर्देश में वेद क्रम का परित्याग क्यों किया, वेद क्रम का, भाष्यकार ने प्रतीक निर्देश में वेद का जो क्रम है ऋक यजु साम अथर्व, तो पहले अथर्ववेद का क्यों निर्देश किया, इस विषय में व्याख्याकारों के अनेक मत हैं कि महाभाष्यकार पैप्लाद शाखा के अध्येता थे, इस कारण उन्होंने इस शाखा के मंत्र का पहले निर्देश किया, स्वयं जिस शाखा के अध्येता थे, ये विचार अधिक प्रसिद्ध है। हमारा विचार है कि पतंजलि चरक सामान्य नाम से अभिहित जो काठक शाखाध्यायी थे, पतंजलि जो थे कट शाखा के अध्येता थे, पतंजलि चरक सामान्य नाम से अभिहित जो कट है काठक शाखाध्यायी थे, चरक इस सामान्य नाम से जो कहा जाता है कठ, यज्ञकर्म के लिए चारों वेदों की विभिन्न शाखाओं का परस्पर नियत विभागीकरण देखा जाता है, चारों वेदों की विभिन्न शाखाओं का परस्पर नियत विभागीकरण देखा जाता है, अतः पतंजलि के कठ शाखा देता होते हुए भी
प्रह्लाद संहिता से उसका विशेष संबंध हो सकता है। यज्ञ कर्म के लिए चारों वेदों की अलग अलग शाखाओं का परस्पर नियत विभागीकरण देखा जाता है। पतंजलि के कठ शाखा देता होते हुए भी प्रह्लाद संहिता से उसका विशेष संबंध हो सकता है। इसे तोर्जित्वा आद्यंश उपलब्ध सभी आजुष शाखाओं में समान है। महाभाष्यकार ने अथर्व की मौद और प्रह्लाद और यजु की काठक और कलाप शाखाओं को बहुत स्मरण किया है। मौद और कलाप शाखाएं संप्रति उपलब्ध नहीं है। मौद और कलाप शाखाएं इस समय उपलब्ध नहीं है। मौद और प्रह्लाद गुरुजी, हाँ जी, ये क्या शब्द है मौद? जैसा आपने बोला मौद, मौद मधु से बना? मधु नहीं, मुद से मऊद, मुद से मौद, मऊद, औ मऊद अकारांत शब्द है ना? हाँ जी, मऊद जी। और पिपलाद, पिपलाद से, पिपलाद से पिपलाद। और यजु की काठक और कलाप शाखाओं को बहुत स्मरण किया है। मऊद और कलाप शाखाएं संप्रति उपलब्ध नहीं। पतंजलि कश्मीर के रहने वाले थे। काठक और पिपलाद शाखाएं प्राचीन समय में कश्मीर में पढ़ी जाती थी। मुसलमानों के आक्रमण के कारण इन शाखाओं के अध्येता कश्मीर छोड़कर अन्यत्र चले गए थे। पैपलादीय कुछ ब्राह्मणों के परिवार उड़ीसा के पार्वत्य क्षेत्र में संप्रति बसे हुए हैं। और ये जो है ऊह के ऊपर काफी लिखा है मीमांसक जी ने, विभक्ति ऊह, लिंग ऊह और मंत्रो, सामोह, संस्कारोह, ऊह को समझने के लिए मीमांसा दर्शन का अध्ययन आवश्यक है, ऐसे कह रहे हैं। ऊह खलु अपि, ऊह जो है प्राचीन आचार्यों ने प्रकृति का लक्षण विकृति यतो अंगानि गृणाति सा प्रकृति। विकृति याग स्व प्रकरण में अनुपदिष्ट अंग कर्मों को कर्म की पूर्ति के लिए जहाँ से ग्रहण करे वो प्रकृति याग होता है। जहाँ से, जैसे दर्श पूर्णमास आदि। प्राचीन आचार्यों ने प्रकृति का लक्षण ये किया, मानी स्रोत यज्ञ जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं स्रोत यज्ञ। शंकराचार्य जी ने बहुत ही ज्यादा मानी मोक्ष प्राप्ति के लिए इनका वो कर दिया, खंडन किया है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए इन कर्मों को मानी वो मार्ग अलग है, चित्त शुद्धि के लिए स्वतंत्र मार्ग नहीं मानते, कर्म का समुच्चय भी नहीं मानते ज्ञान के साथ। तो जहाँ जहाँ वो ये कहते हैं कि ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय भी नहीं, वहाँ पर वो स्रोत कर्मों को लेते हैं। मतलब उनका एक पारिभाषिक प्रयोग है, कर्म का समुच्चय नहीं है ज्ञान के साथ, ऐसा बार बार कहते हैं। तो उनका मतलब ये है कि जो स्रोत कर्म हैं, स्रोत कर्म जो हैं उनका ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं है। अर्थात ज्ञानी को स्रोत कर्म भी साथ साथ करने होंगे तब मोक्ष होगा, ऐसा आवश्यक नहीं है, ऐसा उन्होंने प्रतिपादन किया है अपने गीता भाष्य में। स्मार्त कर्म का भी समुच्चय नहीं मानते कि जो स्मार्त कर्म है वर्णाश्रम धर्म जो है उनको स्मार्त कर्म कहे जाते हैं, उनका भी समुच्चय नहीं मानते। यूं कहते हैं ज्ञानी को स्मार्त कर्म भी करने ही होंगे, ऐसा आवश्यक नहीं, जरूरी नहीं कि वो स्मार्त कर्म छोड़ देगा यदि तो फिर उसका मोक्ष नहीं होगा समुच्चय में, ये उनका अभिप्राय है। जब समुच्चय मानेंगे तो उसको स्मार्त कर्म भी करने ही होंगे मुक्ति के लिए। यदि वो स्मार्त कर्म नहीं करेगा, मानी त्रैवर्णिकों के जो कर्म है उनको स्मार्त कर्म कहा जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के जो कर्म हैं, तीन वर्ण है ना ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तो इनके जो कर्म हैं उनको स्मार्त कर्म कहते हैं। और उधर तीन आश्रम वासियों के जो कर्म हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ, और इधर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन तीनों के जो कर्म हैं, ब्राह्मण का कर्म यही पढ़ना पढ़ाना, ये दान देना लेना, यज्ञ करना कराना,
और विद्या की साधना करना, ये सब ब्राह्मण के कर्म जो भी उन्होंने बताए हैं मनुस्मृति गीता आदि में, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ के जो कर्म हैं उनको स्मार्त कर्म कहते हैं, और उनका समुच्चय है मुक्ति ज्ञान के साथ, ऐसा उनका मतलब मत नहीं है। वो कहते हैं मुक्ति तो केवल मात्र ज्ञान से ही होती है, मुक्ति तो ज्ञान से ही होती है, समुच्चय नहीं है मुक्ति में कि कर्म का समुच्चय हो, ऐसा उनका प्रतिपादन है। पूरा गीता में उन्होंने बार 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 ये बात दोहराई है कि केवल ज्ञान से ही मोक्ष होगा। हाँ, फिर एक बात कह देते हैं कि जो ये स्मार्त कर्म होते हैं वो ईश्वर अर्पित बुद्धि से जब किए जाते हैं तो हमारे चित्त को शुद्ध करते हैं और आगे ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त बनते हैं, ऐसे उनका समर्थन भी किया है कि हमारे दो मार्ग चल रहे हैं दो अधिकारियों के भेद से। ज्ञान मार्ग एक रास्ता है, कर्म का मार्ग कर्मयोग एक रास्ता है। कर्मयोग की व्याख्या वो ये करते हैं कि ईश्वर अर्पित, ईश्वर को समर्पित बुद्धि से जो कर्म किए जाते हैं वो कर्मयोग के अंतर्गत आते हैं। तो जब हम ईश्वर अर्पित बुद्धि से कर्म करते हैं तो चलते चलते हमारा चित्त शुद्ध होता जाता है और हम ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, फिर वो एक हो जाते हैं दोनों मार्ग। मतलब जहां ज्ञान मार्ग जा रहा है ना, ये कर्म मार्ग भी आगे जाकर, जैसे कि एक नदी तो जा ही रही है अपनी और ये दूसरी नदी जाते जाते उस नदी में जाकर मिल गई। तो स्मार्त कर्म जब करते 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 ईमानदारी से, फिर हमारा चित्त शुद्ध होता जाता है, चित्त शुद्ध होते होते और फिर ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ज्ञान का उत्पन्न होना का मतलब इनका यह है कि हम जो मन बुद्धि अहंकार के जो क्षेत्र में निवास करते हैं हम आत्मा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, ये इनका प्रतिपादन है। तो जो श्रोत कर्म है, मैं कहना चाह रहा था कि श्रोत कर्म एक समय बहुत ही अपने प्रचंड शिखर पर थे, तो मीमांसा जी उसको कहते हैं श्रोत। ये तीन प्रकार के हैं, प्रकृति रूप श्रोत कर्म जिनमें श्रुति में जो विहित है ना यज्ञयाग आदि, उनको श्रोत कर्म कहते हैं। उसी का ये गीता में दूसरे अध्याय में बहुत ही वर्णन किया है और उसका खंडन किया है कि जो ये व्यवसाय आत्मिका एका बुद्धिरी कुरात कुरुनंदना बहुशाखाई अनंताश्च बुद्धे व्यवसायी नाम, और वो सारा दिखाया है ना वहाँ पर कि जो लोग श्रोत कर्म की महिमा गाते हैं ना वो स्वर्ग का प्रलोभन देते हैं, ऐसे ऐसे महिमा करके उसको बारे में सुनाते हैं कि ऐसा मिलता है वहाँ पर, ऐसा ये होता है वो होता है, तो वो श्रोत कर्म जो हैं वो स्वर्ग प्राप्त कराने के लिए प्रचलित थे कि इससे हमारे को स्वर्ग मिलेगा, सुख विशेष मिलेगा, मुमुक्षु के लिए उन श्रोत कर्मों की आवश्यकता नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। पर ये श्रोत कर्म बहुत ही अपने व्यापक रूप से इनका प्रचार था। आजकल उसको आप देखना हो तो कहीं कहीं कोई कोई कर्म होता रहता है कहीं कहीं। श्रोत ये तीन प्रकार के हैं, प्रकृति रूप विकृति रूप प्रकृति विकृति रूप। प्रकृति रूप विकृति रूप और प्रकृति विकृति रूप, एक चौथा भेद भी है यावदुक्त, एक चौथा भेद है यावदुक्त। इसका मतलब है न प्रकृति रूप न विकृति रूप, यावदुक्त का मतलब न प्रकृति रूप और न विकृति रूप, यावदुक्त कर्म। प्रकृति या क्या है तो कहते हैं प्राचीन आचार्यों ने प्रकृति का लक्षण इस तरह किया, विकृति याग अपने प्रकरण में अनुपदिष्ट जो अंग कर्म है, मानी जो
अंग कर्म है, सहायक जो कर्म है अपने उसमें पूरा करने के लिए, अनुपदिष्ट अंग कर्मों को कर्म की पूर्ति के लिए जहां से वो ग्रहण करती है वो प्रकृति याग कहलाता है। ये जो विकृति है ना, विकृति याग, विकृति रूप जो याग हैं, याग हैं ये, प्रकृति रूप याग, विकृति रूप याग, प्रकृति विकृति रूप याग, यावदुक्त कर्म। तो विकृति रूप जो याग हैं, बड़ा बहुत ही हमने तो नाम नाम सुने, बड़ा एक जैसे एक शास्त्र है पूरा, कल्प शास्त्र जिसको कहते हैं, कात्यायन श्रोत सूत्र और ब्राह्मण ग्रंथ, उनमें इनका विस्तार है। ब्राह्मण ग्रंथों में कात्यायन श्रोत सूत्र, आश्वलायन श्रोत सूत्र, उनमें इसका विस्तार है। तो जो विकृति रूप याग है वो यहां से अपने कर्म की पूर्ति के लिए अंगों को ग्रहण करती है, मानी इसमें तो सारा विधान मिलेगा। प्रकृति रूप याग में जैसे दर्श पौर्णमास सब विकृति यागों की प्रकृति मानी जाती है। दर्श पौर्णमास एक याग है, केवल ऐसा नहीं कि तीन आहुति आप दे करके छुट्टी कर देते हो ना, वैसा नहीं है। उसमें पूर्णिमा और अमावस्या के तीन तीन आहुति देकर हो गया, ऐसा नहीं, वो तो पूरे दिन चलता है उस दिन उनका। तो ये दर्श पूर्णमास महीने में दो दिन जो है ना वो दर्श और पूर्णमास याग करते हैं, वो प्रकृति याग। सब यागों की प्रकृति है ये दर्श पूर्णमास, इसमें पूरा विधि विधान मिलता है। अब विकृति याग जो आएंगे उसमें जो उसमें अपने अंग को पूर्ण करने के लिए कहीं कुछ करना होता है तो वहां से वो ले लेती हैं, ये विकृति याग वहां से उस प्रकरण को ले लेते हैं कि प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, विकृति को प्रकृति के समान, ये अतिदेश है, प्रकृति के समान विकृति को करना चाहिए। दर्श पूर्णमास के प्रकरण में वे सभी विधियां कह दी हैं जो इस कर्म की संपन्नता के लिए आवश्यक हैं। दर्श पूर्णमास में वो सब कह दी हैं वो विधियां जो इसकी संपन्नता के लिए अनुपदिष्ट सामान्य कर्म वाली विकृतियां प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य अतिदेश के अनुसार यहीं से अंग कर्मों का ग्रहण करती हैं। अंग कर्म का मतलब होता है अप्रधान कर्मों को वहां से ग्रहण। विकृति याग में जो उसके मुख्य पोर्शन है वो तो दे दिया, वो तो प्रधान कर्म हो गया। अंग कर्म के लिए प्रकृति से ले लेते हैं उधार। मुख्य कर्म विकृति याग का वो होगा जो वहां पर विधान किया है, वहां से फिर ये ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं। अतः दर्श पूर्णमास सब इष्टियों की प्रकृति मानी जाती है। प्राचीन मतानुसार गृह मेधी इष्टि और दर्वी होम आदि न प्रकृति है न विकृति है। इष्टियां हैं बहुत, इनमें यावदुक्त कर्म किया जाता है। नवीन मीमांसक प्राचीन आचार्यों के लक्षण में गृह मेधी इष्टि में परणता की प्राप्ति नहीं होती ऐसा दोष उपस्थित करके प्रकृति का लक्षण चोदकात यत्र नांग प्राप्ति सा प्रकृति। यहां चोदक अतिदेश, चोदक मानी अतिदेश से अंग की प्राप्ति नहीं होती वह प्रकृति का आती है ऐसा लक्षण मानती। इस लक्षण के अनुसार गृह मेधीष्टे दर्वी होम आदि प्रकृति याग हैं। विकृति याग विकृति का लक्षण है या प्रकृति तो अंगानी गृहणाती सा विकृति। जो प्रकृति यागों से स्वयज्ञ कर्म की पूर्ति के लिए अंग कर्मों का ग्रहण करे वो विकृति याग है। जैसे सौर्येष्टि विकृति यागों में तत्त कर्मोपयोगी विशिष्ट विधान ही किया जाता है। सौर्येष्टि का वचन है सौर्य घृते चरुम निर्वपेद शुक्लानाम व्रीहीणाम ब्रह्म वर्चस कामा। मैत्रायणी संहिता में दिया कि जो ब्रह्म तेज की कामना वाला है वो घृत में शुक्ल व्रीहियों का चरु बनाए। घृत में जो शुक्ल व्रीही हैं उनका चरु तैयार करे। चरु वो होता है जो मांड निकाले बिना जो अंतर ऊष्मा में सिद्ध जो होता है, अंतर ऊष्म सिद्धा मंड निस्सारणम अंतरा सिद्धा चरु। और एक याज्ञिक समाख्या में यह भी दिया कि मंड निश्रित ओदना चरु। जो चरु बनाए
अतः चरु कैसे बनाई इस आकांक्षा की पूर्ति के लिए वचन उपस्थित प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य जैसे प्रकृति याग किया था वैसे ही इसमें करो यही ऊह का विषय उपस्थित हो जाता है जहां जहां भी प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य ये अतिदेश बीच में आएगा वहीं पर ऊह का विषय आ जाएगा तो ऊहो नाम प्रकृतो अन्यथा दृष्टस्य विकृतो अन्यथा भावा ऊह का लक्षण मीमांसक इस तरह से करते हैं प्रकृति में जो अंश अन्य रूप से देखा गया उसी का विकृति में अन्यथा भाव होना हुआ है जब विकृति व्याग की पूर्णता के लिए प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य अधिदेश प्राप्त होता है तो अधिदेश प्राप्त कार्यों के प्राप्त होने पर उनके मंत्र भी प्राप्त होते हैं दर्श पूर्णमास में हवि में निर्वाप मानी ग्रहण के लिए मंत्र है हवि के ग्रहण के लिए मंत्र अग्नि जुष्टम निर्वपामी तो इस अतिदेश से निर्वाप कर्म के साथ यहीं पर मंत्र सौर्येष्टि में भी उपस्थित होता है परंतु सौर्येष्टि में सूर्य देवता के होने से प्रकृति जो है प्रकृतिगत अग्नि देवता वाला निर्वाप मंत्र संबद्ध नहीं होता सूर्यायत्वा जुष्टम निर्वापामी ऐसा मंत्र कहीं पढ़ा नहीं तो सौर्येष्टि में अध्यक्ष प्राप्त आग्नेय मंत्रगत आग्नेय पद को हटाकर सूर्याय पद पढ़ा जाता है यही हुआ है ये तीन प्रकार की है मंत्रोह सामोह संस्कारोह ऊहा तीन प्रकार की है प्रकृति में मंत्रों के अंतर्गत नाम प्रातिपदिक के ऊह का उदाहरण दिया है जो मंत्रों है इसमें जो सूर्यायत्वा जुष्टम निर्वपामी प्रातिपदिक की ऊहा की है लिंगोह इसी तरह से लिंग का ऊह किया जाएगा देवी रापा शुद्धा वोढ़ यजुर्वेद में मंत्र आता है देवी राप है शुद्धा वोढ़ देवी आप शुद्ध अच्छा संबोधन में होगा शुद्धा वोढ़ हे देवी हे आप शुद्ध आप वोढ़ वहन करो आप के स्थान में आज्य की स्तुति में स्त्रीलिंग के स्थान में पुल्लिंग का ऊहा करना होता है ये तो था स्त्रीलिंग देवी प्रथमा का बहुवचन आप प्रथमा का बहुवचन शुद्धा भी प्रथमा का बहुवचन संबोधन में देवी जो है प्रथमा के बहुवचन में नदी नद्यो नद्या देवी देवियो देव्या और देवी भी बनता है वाच्छंदसी के नियम से छठे अध्याय के पहले पाद में एक वाच्छंदसी है दीर्घा जसी प्रथमा पुरुष सवर्णा के नीचे लगभग 102-3 नंबर सूत्र है ना 102 तो वाच्छंदसी से यहां पर देवी शब्द बन जाता है देवी रापा शुद्धा वोढ़ यहां पर आपा के स्थान में आज्य की स्तुति में आपा की जगह आज्य की स्तुति जब करेंगे तो स्त्रीलिंग के स्थान में पुलिंग की हुआ करनी पड़ेगी तो यूं कहेंगे देव देवी का तो देव बन जाएगा हे देव हे आज्य और फिर शुद्धो वहस्व वोढ्वम का वहस्व हो जाएगा ये लिंग बदल दिया आप का देवी का देव हो गया आज्य के साथ यहां वचन का उहा भी है मानी वो बहुवचन के स्थान में लिंगूह भी है और वचन की उहा भी है भर्तृहरि ने महाभाष्य दीपिका में शाखांतर का देवी रापा शुद्धा यूयम पाठ देकर आज्य पक्ष में देवा आज्य शुद्धस्त्वम ये ऊहा दर्शाया यूयम की जगह शुद्धा यूयम की जगह त्वम देव आज्य शुद्धस्त्वम ऐसा दर्शाया है ये विभक्ति विभक्ति ऊह सर्वा भी विभक्ति भी का तात्पर्य प्रकृतिगत मंत्रों में पूर्ण विभक्ति
अर्थात एक वचन द्विवचन बहुवचन सभी से युक्त मंत्र नहीं पढ़े। पूर्ण विभक्ति क्या होती है? एक अवय विभक्ति होती है, एक पूर्ण विभक्ति होती है। पूर्ण विभक्ति मानी एक वचन द्विवचन बहुवचन, तीनों वचनों से युक्त को पूर्ण विभक्ति कहते हैं। उसका जो एक वचन है अवय विभक्ति, द्विवचन वो भी अवय विभक्ति, बहुवचन वो भी अवय विभक्ति, पूर्ण विभक्ति माने तीन का नाम विभक्ति है। संपूर्ण विभक्ति अर्थात एकवचन द्विवचन सभी से युक्त मंत्र नहीं पढ़े हैं प्रकृतिगत मंत्रों में, इसलिए विकृति याग में यथा योग्य वचन का उहा भी करना पड़ता है। देवी रापा शुद्ध मंत्र में बहुवचन है, देवी आज्य शुद्ध एक वचन का उह मानना पड़ता है। उह प्रकरण का सार यह है, मीमांसा जी लिख रहे हैं कि प्रकृति यागगत मंत्रों का ही पाठ यथावत है। प्रकृतिगत यागगत जो मंत्र हैं उनका तो पाठ मिलता ही है। विकृति यागों में प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य है, ये न्याय एक चलता है कि विकृति प्रकृति के समान करनी चाहिए। प्रकृति याग में पठित मंत्र विकृति याग में उपस्थित होते हैं। प्रकृति याग में जो मंत्र पढ़े हैं विकृति याग में उपस्थित होते हैं। यदि किसी प्रातिपदिक को बदलना होता है तो उसका रूप चलाना पड़ेगा। विकृति याग में प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य न्याय के अनुसार प्रकृति याग में पठित मंत्र विकृति याग में उपस्थित होते हैं। विकृति याग में द्रव्य और देवता का भेद होता है, अतः अतिदेश से प्राप्त मंत्र में पठित द्रव्य देवता नाम के स्थान में, द्रव्य और देवता नाम के स्थान में विकृतिगत द्रव्य और देवता का नाम पढ़ना होता है। विकृतिगत जो द्रव्य है और देवता है और उसी के अनुसार लिंग और वचन का परिवर्तन करना पड़ता है। आचार्य भर्तृ ने महाभाष्य दीपिका में मंत्रोह का विचार विस्तार से किया है। मंत्रोह सामोह संस्कारोह तीनों का विचार मीमांसा दर्शन विस्तार से किया है। उह की सांग प्रतिपत्ति के लिए मीमांसा दर्शन का अवलोकन, तभी कहाँ उह होता है कहाँ नहीं होता है आदि का यथावत बोध होगा। प्रकृत भाष्य वचन को समझने के लिए उह विषय का संक्षेप से हमने निर्देश किया। इसके लिए आवश्यक याज्ञ कर्मगत प्रकृति विकृति भाव दर्शाने का प्रयत्न किया। ये सारा प्रयत्न सामान्य रूप है, यदि कहीं इसका विरोध प्रतीत होता है तो उसे अपवाद विधि जाने। अपवाद विधि का विस्तार भिया यहाँ उल्लेख, विस्तार भिया भिया मैंने डर से यहाँ उल्लेख नहीं किया है। ओम गुरुजी जी, यज्ञ और याग में क्या विशेष फर्क है गुरुजी? जी यज्ञ याग तो एक ही है, याग और क्रतु में अंतर है। कुछ तिष्ठद होम होते हैं, कुछ बैठ करके किए जाते हैं, उसमें एक कुछ है फर्क तो कि जो कुछ स्वाहा के साथ बोले जाते हैं, कुछ स्वधा के साथ होते हैं। तो ये जो भाष्यकार यहाँ पर दिए हैं गुरुजी की चाष्यम यज्ञ गतेन पुरुषेण यथा यथम, तो यहाँ यज्ञ गतेन की बात आई है, उस पर इतने सारे याग कर्मों की चर्चा हुई है। यज्ञ याग तो एक ही हो गया ना, एक ही है। ये जो श्रोत यज्ञ है ना, उन्हीं से संबंधित ये कथन है। इसमें कई सारे प्रयोजन ऐसे हैं जो यज्ञ से जुड़े हुए हैं, जैसे विभक्तिम कुर्वन्ति आगे आ रहा है, वो भी यज्ञ से। ऋत्विज हो जाएं हम, ये भी व्याकरण अध्ययन का प्रयोजन है। आजकल तो कोई ऋत्विज बनना के लिए तैयार नहीं है, ये कह रहे हैं कि हम ऋत्विक बन जाएं, इसके लिए व्याकरण अध्ययन करना चाहिए। उस समय की जो समय की एक मांग होती है ना, जैसे आजकल स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे के मन में तुरंत यही आता है कि हम इंजीनियर्स बन जाएं, इसके लिए हमें स्कूल ज्वाइन करना चाहिए। तो उस समय ये प्रचलन था कि हम ऋत्विक बन जाएं, इसके लिए हमें व्याकरण अध्ययन करना चाहिए। समय की एक मांग जिसको कह रहा हूँ। ओम गुरुजी जी, ये मोक्षमाणा नाम का क्या अर्थ है? मोक्षमाण मुंचते, मोक्षम इष्यमाणा नाम, मोक्षमाण का अर्थ हो जाएगा मोक्ष की इच्छा करते हुए। मोक्ष की चाहना करते हुए, मुक्ति की चाहना करने वाले।
तो ये जो वाक्य था आगमा खलोपि निष्कारणो धर्मा, मानी अध्ययन निष्ठ जो अनपेक्षत्व है उसको विषय में आरोप कर दिया है। निष्कारणो धर्मा षडंगो वेदो अध्ययन, निष्कारण जो वेद अर्थात अध्ययन करते समय जो कारण हम ढूंढ करके और फिर उस क्रिया को करते हैं ना, उसको बिना की उसकी बिना अपेक्षा के ही हमें अध्ययन करना चाहिए। भाव तो हम समझ ही रहे थे, वाक्य से वो अर्थ कैसे निकल रहा है, भाव तो वही है बिल्कुल कि निष्कारणो धर्मा षडंगो वेदो अध्ययन जयश्च। निष्कारण जो धर्म है उसमें वाक्य भेद होता है, सविता जी के अर्थ को मैंने उनके सामने रखा था तो बोले कि उसमें वाक्य भेद करना पड़ता है और वो दोबारा अध्ययन करना पड़ता है। निष्कारणो धर्मा माने वो ब्राह्मण का ऐसा अध्ययन करना पड़ता है, तो जब सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। निष्कारण धर्म जो वेद है उसका अध्ययन करना चाहिए, उसको जानना चाहिए। ओम गुरुजी जी, यदि निष्करणीय अध्ययन हो तो एक महावस्य का एक न्याय है, न्याय कश्चित पर अनुग्रहितव्य इति प्रवर्तत। ये यूं कह रहे हैं महावस्य में एक वचन आता है, नहीं कश्चित पर अनुग्रहितव्य इति प्रवर्तते, सर्वे स्वभूत्यर्थम एव प्रवर्तन्ते, सब अपने प्रयोजन से ही प्रवृत्त हो रहे हैं, कोई दूसरे पर अनुग्रह करने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, तो निष्कारण कैसे हो गया कोई कर्म। महाभाष्य हेतुमति सूत्र पर एक बात आती है कि नहीं परो अनुग्रहितव्य इति कश्चित प्रवर्तते, दूसरे पर मुझे अनुग्रह करना है ऐसा सोचकर कोई नहीं कर रहा है, मेरा ही लाभ होगा, मेरी आत्मा का कल्याण होगा, इसलिए वो दूसरों से पर भी अनुग्रह कर रहे हैं। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियं भवति, बृहदारण्यक में भी कहा है ना, तो उस पर ये कह रहे हैं निष्कारण का तो इतना ही है कि हमारे को दृष्टम कारणम अनपेक्षा, जो लिखा है ना कैयट ने, जो बाह्य कारण जो मैंने बताया चार शब्द, सत्ता संपत्ति सम्मान और वैषयिक सुख, बस इतनी तो बात बोली थी, बाकी आत्मोद्धार तो सभी चाहते हैं। निष्कारण का अर्थ इतना ही है दृष्टम कारणम अनपेक्षा, सत्ता प्राप्त नहीं होगी मुझे महाभाष्य पढ़कर, संपत्ति प्राप्त मुझे नहीं करनी है, सत्ता लक्ष्य में ये बना लेते हैं ना, जैसे स्कूल में जाकर पूछो क्यों पढ़ रहे हो, बोले इंजीनियर बनेंगे, क्यों पढ़ रहे हो, हम आईएएस ऑफिसर बनेंगे, आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, जज बनेंगे, मतलब उनको पहले ही लक्ष्य में ये बना लिया, तो ऐसे आप व्याकरण क्यों पढ़ रहे हैं, तो जी खूब सम्मान होगा पढ़ जाएंगे तो, इसको नहीं रखना चाहिए सामने, पढ़ जाएंगे तो खूब हमारे को सुविधाएं मिलेंगी, इसको सामने नहीं रखना चाहिए, क्यों पढ़ रहे हो व्याकरण, तो इससे खूब अच्छे शादी करने के लिए कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी, खूब ऐसे ऐसे उत्तर दे सकता है ना जी। उत्तर दे सकता है, उस समय तो होता था ऐसा, 1000 साल पहले तो ऐसे होता था, तो जो ब्राह्मण हैं वो ऐसा सोच करके प्रवृत्त नहीं होता है कि मुझे मेरा विवाह अच्छा जगह होगा या फिर मुझे बहुत सम्मान मिलेगा या फिर मेरे को पावर मिल जाएगी, कोई राजा मुझे मंत्री बना लेगा, ऐसा भी होता था तो राजा मुझे मंत्री बना लेगा या मुझे खूब धन वैभव मिलेगा, ऐसा सोच करके ब्राह्मण नहीं पढ़ते हैं, यही मतलब है इतने इस वाक्य का। वो तो आत्म उद्धार तो किसी का भी वो तो अंतर्गर्भित है, वो तो होता ही है, उसको तो सब सामने रखते हैं, पर बाह्य कारणों को आत्मोद्धार होकर के मैं दुनिया में आत्मोद्धारक के रूप में प्रसिद्ध हो जाऊंगा, फिर लौकिक बात आ गई, मैं आत्मोद्धार करूंगा और आत्मोद्धार करके दुनिया में आत्मोद्धारक है तो कोई उसके पास जाओ भाई, ऐसा यदि लक्ष्य बना लिया तो फिर लौकिक बन जाएगा, फिर वो कारण आ गया, दृष्ट कारण आ गया।
आत्मोद्धार तो करना चाह रहा हूँ पर आत्मोद्धार के साथ आत्मोद्धारक के रूप में पहचान बनाना चाहता हूँ दुनिया में। फिर दृष्ट कारण सामने आ गया, तो ऐसे किसी भी दृष्ट कारण को सामने ना रख करके ब्राह्मण को पढ़ना चाहिए। मीमांसक जी ने हाँ ये इसके ऊपर भी लिखा है बहुत कुछ, जो ये सहवाग वज्रो यजमानम हिनस्ती वाला है ना, इसके ऊपर भी लिखा है। यथेन्द्र शत्रु स्वर्तोपराधात्, यथेन्द्र वैदिक वर्ण के मिथ्या प्रयोग से अर्थ भेद, ये एक बात कही और इन्होंने उदाहरण भी दिए हैं। क्षयम प्राप्नु ही देखिए, एक है क्षयम प्राप्नु ही, ये है ऐसा है जी, और एक क्षयम प्राप्नु ही ऐसा है। ये दो मैंने स्वर लिखे हैं, ऊपर नीचे दो वाक्य लिखे हैं, पहले का अर्थ होगा घर को प्राप्त हो, दूसरे का अंतोदात अर्थ है नाश को प्राप्त हो। क्षयो निवासे है ना सूत्र, तो पहले का है घर को प्राप्त हो, क्षयो निवासे आजुदात हो जाता है। अब जैसे और भी उदाहरण दिए हैं मीमांसक ने, स्वर के ऊपर तो बहुत काम किया है, स्वर के ऊपर उन्होंने बहुत सारा काम किया है। क्षयम प्राप्त हो ही, घर को प्राप्त हो, नाश को प्राप्त हो, ये अर्थ है नाश को प्राप्त हो, ये है घर को प्राप्त हो, स्वर भेद से अर्थ भेद हो रहा है। अभी एक और दिखाते हैं आपको उदाहरण, वीर पुरुषम गच्छ, ये वीर पुरुष शब्द है ना, ये कर्मधारय भी हो सकता है और बहुव्रीहि भी हो सकता है। जब कर्मधारय होगा तो ये स्वर लगेगा, जो मैंने उदात्त चिन्ह का संकेत बता रहा हूं ये जमा का निशान, और यदि बहुव्रीहि करेंगे तो इसका स्वर ये होगा पूर्व पद अंतोदात्त वीर पुरुषम, और फिर उदात्ता अनुदात्त स्वरिता, और स्वरित से परे एक श्रुति हो जाती है वीर पुरुषम गच्छ, ये स्वर होगा। तो पहले में तो ये अर्थ है कि जो वीर पुरुष है ना, कोई वीर पुरुष बहादुर पुरुष उसको प्राप्त हो, और ये दूसरा जो है वीर है पुरुष जिस गांव में, उस गांव को प्राप्त हो। वीर है पुरुष जिसमें, ऐसा जो ग्राम है उस गांव को तू जा, उस गांव को प्राप्त हो। अब कोई कर्मधारय समास के अर्थ की विवक्षा रखता हुआ वीर पुरुषम गच्छ में पूर्वपद प्रकृति स्वर का प्रमाद से उच्चारण करेगा तो श्रोता को वक्तृगत कर्मधारय समासार्थ का बोध न होकर अन्य पदार्थ बहुव्रीहि अर्थ का बोध होगा, ऐसे बता रहे हैं। वर्ण के मिथ्या प्रयोग से अर्थ भेद कैसे होता है, ये एक प्रसिद्ध बात है। ये तो स्वर के भेद से, स्वर भेद से अर्थ भेद की बात है, वर्ण भेद से भी अर्थ भेद होता है। जैसे एक वो है अश्वमान है, देखिए अश्वम बोलते हैं तो इसका अर्थ हो जाएगा घोड़े को ला, अश्वम मानी जो धन रहित पुरुष है ना उसको ला, अश्वमान है। तो ये वर्ण भेद से, वर्ण के मिथ्या प्रयोग से अर्थ भेद हो जाएगा। अब ये आगे यथेन्द्र स्वरतो अपराधात, ये आख्यायिका तो आपको बताई दी, त्वष्टा नामक असुर ने इसका मूल दिखाया इन्होंने तैतरीय संगीता मैत्रायणी संगीता शतपथ ब्राह्मण में। तैतरीय संगीता कृष्ण यजुर्वेद को कहते हैं, क्यों जी
वो तैतरीय ब्राह्मण होगा, तैतरीय संगीता। हाँ, तो तैतरीय संगीता जो है उसमें और मैत्रायणी संगीता और शतपथ ब्राह्मण में एक आख्यायिका है। त्वष्टा नामक असुर ने देवों से पराजित होकर वृत्र नामक असुर को उत्पन्न किया। इंद्रादि देवों से युद्ध से पूर्व वृत्र ने स्वबल वृद्धि के लिए यज्ञ किया। इंद्रादि देवों के साथ युद्ध से पहले वृत्र ने अपने बल को बढ़ाने के लिए, इसमें इंद्र शत्रु वर्धस्य मंत्र से आहुति देते समय अंतोदात इंद्र शत्रु, इंद्रस्य शत्रु मानी सातहिता, इंद्र का नाश करने वाला वृत्र बढ़े का प्रयोग करते समय भूल से अथवा होता की देवों के साथ मिली भगत होने से जो होता था वन कराने वाला, देवों के साथ जो है मिली भगत होने से पूर्वपद प्रकृति स्वर प्रयुक्त इंद्रवस्य सातहिता ऐसा समास प्रयोग कर दिया। पूर्वपद प्रकृति स्वरानुसार बहुव्री समास में इंद्र वृत्र का शत्रु सातहिता नाश करने हारा है, ये अर्थ ध्वनित होता है। इंद्र है सातहिता जिसका, तो इंद्र ने वज्र के प्रहार से वृत्र को ही नष्ट कर दिया। तो ये बात तो हमने भी सीख ली, लेकिन इस आख्यायी के मूल में इन्होंने एक आधि दैविक व्याख्या की है, आधि दैविक, एक आध्यात्मिक, एक आधि दैविक व्याख्या की है। आख्यायिका में कहा गया वृत्र मेघ है और इंद्र विद्युत है। इंद्र मानी विद्युत, इंद्र है विद्युत और वृत्र है मेघ। वृत्र रूप मेघ, ये जो वृत्र मेघ है ना, ये त्वष्टा का पुत्र है, त्वष्टा का पुत्र है, त्वष्टा मानी आदित्य। त्वष्टा का पुत्र है ये, सूर्य किरणों से अपहृत जल से ही वृत्र आवरक मेघ की उत्पत्ति होती है। सूर्य किरणें जल को खींचती हैं समुद्र से और मेघ की आवरक मेघ, वृत्र माने आवरण करने वाला जो मेघ है उसकी उत्पत्ति हो जाती है। वर्षा ऋतु में मेघ चाहे कितना ही बढ़े, काली काली घटाएं छा जाएं, पर विद्युत के द्वारा इंद्र जो है विद्युत के द्वारा उसके परचों का विकर्तन होकर, परचे उखाड़ दिए ऐसे बोलते हैं ना, उसके परचों का विकर्तन होकर पृथ्वी पर गिरा दिया जाता है। वृत्र कितना भी, इसका आध्यात्मिक अर्थ ही है, वृत्र पाप को कहते हैं, इंद्र आत्मा को कहते हैं, और त्वष्टा असुर है उस पक्ष में। असुर का पुत्र जो ये पाप है, ये कितना ही बढ़ जाए, जब इंद्र जागता है तो वो उसके परचे उखाड़ देता है। ऐसे आध्यात्मिक दृष्टि से उसकी व्याख्या करते हैं। तो विकर्तन पृथ्वी पर गिरा दिया जाता है। इंद्र वज्री है, इंद्र को वज्री कहते हैं, वज्रधारी कहते हैं, ये वज्री है और वज्र त्रिधार माना जाता है। वज्र जो है वो त्रिधार है, साधु लोग जो है त्रिशूल रखते हैं ना, वो वज्र का ही प्रतीक है। वज्र त्रिधार है, विद्युत भी त्रिवृत है, जो विद्युत है ये भी त्रिवृत माना जाता है, तीन रूपों में ये रहता है। विद्युत भी त्रिवृत त्रिधार है, ये भी शतपथ के अनुसार इसके तीन रूप या कर्म है। ये शीघ्र व्याप्त होना वाला होता है, इसलिए इसको अशनी कहते हैं, अशुंग व्याप्त, शीघ्र व्याप्त होने वाला होने से अशनी है। शब्द करने से राधुनी है, ये राध अव्यक्ते सम शब्दे राधुनी है, और दाह कर्म के कारण उलकुशी कहता है। उल्मुख शब्द के समान उस दाहे से बना दिया, उलकुशी, दाह कर्म के कारण उलकुशी है। ऋग्वेद में इस विद्युत के तीन कार्य बतलाए, निरुक्त मंत्र में भी ये मंत्र अयम से सिंहते एक मंत्र आता है निरुक्त में, तो तीन कार्य बताए, शब्द करना, भय देना और प्रकाश देना, ये तीन कार्य बतलाए, इसलिए ये विद्युत त्रिवृत है।
शब्द भय और प्रकाश, तो ये एक बात इन्होंने अच्छी सी बताई है। अब हम इस पर आ जाते हैं, यस्तु प्रयुक्ते कुशलो विशेषे, जो मैं कह रहा था ये श्रुति जो है। गुरुजी, ये आपने वज्र जो त्रिधार बताया, हाँ, ये कौन सी तीन धारे हैं? तीन तीन धारे हैं वज्र की, ये तीन धार बता दी ना, शब्द भय और प्रकाश, या इधर इसमें बताया अशनी, रादुनी और उल्कुशी। अच्छा अच्छा, दाह करने वाली होने से उस धाये धातु से बना रहे हैं उल्कुशी, उल्कुशी और रादुनी, राद अव्यक्ते शब्द, और अशनी मानी शीघ्र व्याप्त होने वाली है, इसलिए अशनी है। अच्छा, विद्युत के तीन बताए हैं और वज्र के ये तीन बताए। हाँ, वज्र भी त्रिधार है, विद्युत भी त्रिधार है जी, ठीक। विद्युत त्रिवृत है, विद्युत त्रिवृत है। अच्छा, विद्युत त्रिवृत है और विद्युत वज्री है, वज्र वाली, विद्युत वज्री है, वज्र वाली है, वज्र के त्रिधार हैं। विद्युत के तीन रूप हैं, त्रिवृत है, तिलड़ी है, त्रिवृत का मतलब तिलड़ी है ये विद्युत। ओम गुरुजी, असनी, राधुनी, उल्कुशी। हाँ जी, इंद्र शत्रु वर्धस्व, हाँ, इसमें तो वास्तव में इंद्र का शाता है, तो इंद्र का शत्रु षष्ठी समास होना था, मतलब वैसे ही वो भूल से बहुव्रीहि से किया, मतलब वास्तव में षष्ठी है वहाँ, तो यदि ऐसा करेंगे तो इंद्र का शातयिता, इंद्र को यदि आत्मा लेंगे और पितृ को पाप लेंगे तो आत्मा का शातयिता, ऐसे अर्थ निकलने है ना, आत्मा का शातयिता होता है, आत्मा को मारने वाला पाप ऐसा ऐसा होता है, आत्मा का शातयिता होता है। मैंने केवल इंद्र और शत्रु के रूपक के बात में अध्यात्म में घटाया, इससे बात नहीं है, पूरा ये जो इंद्र और वृत्र का युद्धों का वर्णन है वेद भरा पड़ा है, इससे बहुत ही ज्यादा है, थोड़ा नहीं, बहुत ही हजारों मंत्र हैं। तो उसमें जो है इंद्र आत्मा है, वृत्र पाप है, और इनका युद्ध दिखाया है। तो यहाँ इंद्र का शातयिता वर्धस्व है, तो इंद्र को मारने वाला जो पाप है वो भरे, ऐसा तो ऐसा ही तो कहेंगे, वो जो पाप है वो तो यही कहेगा कि इंद्र को मारने वाला जो पाप है वो बढ़े, यही कहेगा वो। ओम गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, यहाँ पर समास करने से कुछ भी नहीं हुआ, जो अर्थ लिया हमने रूड अर्थ को हटा दिया, उससे फर्क पड़ता है ना, रूड अर्थ यौगिक अर्थ लिया है उससे फर्क पड़ता है। जी जी, यौगिक अर्थ लिया क्या होता ही है, यौगिक अर्थ शब्दों का, अगर रूड लेते तो फिर नहीं, फिर नहीं फर्क पड़ेगा, रूड लेने में फर्क नहीं पड़ता है। ओ शांति।